हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, वो भी खिली खिली, जो कि आप व्रत में बहुत ही आराम से टेंशन फ्री होके खा सकते हैं। और इसे ऐसे भी आप नाश्ते में बनाए ना चाहे तो बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे जिसकी वजह से ये हमें बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। तो हमें यानी यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम साबूदाने और उन्हें हमें अच्छे से वॉश करके और इसे इतनी देर तक भिगोना है कि हमारे दाने अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने इन्हें वॉश करके और आधा इंच तक भर के रख दूंगी और इसे आधे घंटे तक ऐसे ही भीगे रहने दूंगी। यदि इसके अलावा अगर पानी इसमें बच जाता है साबूदाने फूलने के बाद, तो उन्हें हम स्ट्रेन कर देंगे और उसके बाद इन्हें एक घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। यही सही ट्रिक होती है साबूदाने मतलब भिगोने की, क्योंकि उसके बाद ही इस तरीके से खिले खिले से बनते हैं और फिर इनकी खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये देखिए, अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल लेंगे, मैंने मूंगफली का तेल लिया है, उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा जब मैं बताऊँगी तब। तो हरी मिर्च डाल दीजिए, उन्हें हल्का सा फ्राई होने दीजिए, फिर रोस्टेड मूंगफली के दाने डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर एक कटोरी के लगभग डाले हैं, आप कम और ज़्यादा दोनों डाल सकते हैं। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि आगे हम इसमें खटाई का यूज़ करेंगे। तो चीनी डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, आधे से एक चम्मच डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। यदि आप उपवास में लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं कर सकते हैं मतलब नहीं करते हैं तो मत डालिएगा। उसके बाद बॉइल्ड आलू डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी स्टेज पे हमें डालना है नमक। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और स्वाद अनुसार मीन्स साबूदाने और आलू दोनों के स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और इसी स्टेज पर अब आप इसमें जो हमारे फूले हुए साबूदाने हैं वो डाल देंगे। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लाल मिर्च अगर आपने नहीं डाली है तो यहाँ पर इस स्टेज पर आप काली मिर्च डाल दीजिए एक चम्मच। सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्लेम को कीजिए। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो पूरी खिचड़ी को अच्छे से बन जाने दीजिएगा। और फिर इसमें आखिरी में आप नींबू और हरा धनिया डाल दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।